मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। थैंक्स फॉर योर लव एंड अप्रिशिएट अवर लास्ट वीडियो फॉर वीज़ा डिले इन जान 22। उसके अंदर आपने बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस दिया। हमको बहुत ही जेन्यून स्टूडेंट्स का तकरीबन 55 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की जेन्यून इंक्वायरी मिली, उनका क्वेरी हमने सॉल्व करने का ट्राई किया। उसके साथ तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स थे और तकरीबन 170 से भी ज़्यादा लोगों ने उसको लाइक किया। शायद हम सभी लोगों को इंडिविजुअल थैंक्स नहीं कह सके, तो ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ा शुक्रिया कहना चाहते हैं। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और हमको अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वीज़ा डिले इन जान 22, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ डाल देंगे, तो आपसे वो भी वीडियो मिस नहीं होगा। और जैसे आज का वीडियो का हमारा एक बहुत बड़ा अपडेट है कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा जान 22 में जाने वाले हैं, या फिर आपने सितंबर 21 के लिए या फिर उससे पहले मई 21 के लिए फाइल रखी है, अभी तक अगर आपका वीज़ा नहीं लगा है, और अगर आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप ऐसा सोचते थे कि अभी मेरी वीज़ा फाइल अंडर प्रोसेस है, मेरे को वीज़ा नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, जनवरी में ऑनलाइन पढ़ लूँगा, या फिर अगर आप कैनेडा पहुँच चुके हो और कैनेडा में रहते हुए आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपना ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो इन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि आज ही कैनेडियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली ने एक ट्वीट किया है 19 नवंबर 2021 को। ये ट्वीट उन सभी स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट करेगा जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं कि ये ट्वीट क्या है और उसके बारे में वो कैसे आपको इफ़ेक्ट होगी। तो जैसे कैनेडियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली ने आज ट्वीट किया 19 नवंबर 2021 को कि अगर आप कैनेडा जाने वाले हो और आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, सभी को मालूम है कि आपको पहले स्टडी परमिट दी जाती है, अगर आपकी DLI यानी आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट फंडेड है, तो आपको 2 साल या 3 साल का वर्क परमिट ऑप्शंस मिलता है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहा जाता है। उसके लिए आपको ज़्यादातर कोई डॉक्यूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पहले भी मिलती थी और वही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के हिसाब से आपके आगे की PR की फाइल रख सकते हो और रखने का टाइम भी मिलता है आपको। नॉर्मली मैं उसको कहूँ तो स्टूडेंट्स समझते हैं कि आप 2 साल की पढ़ाई के लिए जाते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट ऑटोमेटिकली मिलता है, तो उसी के बारे में ये वीडियो है वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा। जैसे आप सभी को मालूम है COVID-19 पूरे वर्ल्ड के लिए एक न्यू पेंडेमिक था और सारे जैसे कैनेडा भी उसके अंदर हुआ, उसने बहुत बेनिफिट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिया। तो कैनेडा ने तकरीबन मई 2020 को ये अनाउंस कर दिया कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, चाहे वो अपनी होम कंट्री से करें चाहे वो कैनेडा में रहते हुए करें, वो सारी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के अंदर एलिजिबल गिनी जाएगी। जी हाँ, और वो लगातार उसका बेनिफिट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने लिया, उसका बेनिफिट बहुत ही इंडियन स्टूडेंट्स ने भी लिया। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स ने मई 21 की हम बात करें, सितंबर 21 या उसके बाद जान 22 या फिर जो भी इंटेक डिफर हो रहे हैं, वो लोग फाइल रख देते थे वीज़ा के लिए और वीज़ा का जवाब नहीं आता था तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, और कॉलेज भी उनको ऑप्शंस देती थी कि अगर वीज़ा का जवाब नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लीजिए, और स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन सिलेक्ट करते थे। शायद आप लोगों में से भी बहुत से स्टूडेंट्स ने ये ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा। क्या आप जानते हैं ये ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शंस आफ्टर 1 बन के बाद तकरीबन 31st
दिसंबर 2021 को बंद हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बंद हो रहा है यानी कॉलेजेस बंद नहीं कर रही है, लेकिन कैनेडियन हाई कमीशन्स ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, CIC ने जो आपको बेनिफिट दिया था कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो और उसके हिसाब से वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के आपको एलिजिबल गिनेंगे, वो उन्होंने जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कोविड के अंदर दिया था उसको वो वापस ले रहे हैं। जी हाँ, दिसंबर 31, 2020 को वो वापस ले रहे हैं, यानी ये उसकी डेडलाइन है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो या कर रहे हो या करने वाले होंगे, तो वो कैनेडियन हाई कमीशन, कैनेडियन गवर्नमेंट, CIC और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के अंदर उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जी हाँ, उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो उसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि किस किस को ये इफ़ेक्ट होगा और कैसे इफ़ेक्ट होगा। तो अगर आपकी वीज़ा फाइल आपने रखी है फॉर जान 22 और आपके वीज़ा डिले है, यानी अभी तक वीज़ा नहीं आए हैं, या आप ऐसा सोच रहे होंगे, या कॉलेज ने आपको ऑप्शन दिया होगा कि आप जनवरी तक अगर वीज़ा नहीं लगता है तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब वीज़ा आपका लगा तब आप फ्लाई कर लेना या फिर कैनेडा पहुंच जाना। तो कभी लोग जा रहे थे बीच में, अगर जान 22 मेरा इंटेक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझा रहा हूँ कि अगर जान 22 आपका इंटेक है, आपका वीज़ा आया फेब्रुआरी में, आपका वीज़ा आया मार्च में, तो आप मार्च में कैनेडा चले गए क्योंकि आपका ऑनलाइन तो पढ़ाई चल रहा है। तो ये सारे ऑप्शन अब ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सारे ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कैनेडियन हाई कमीशन का ट्वीट था दिसंबर 31, 2020 तक ये जो उन्होंने बेनिफिट दिया था उसको वो डेडलाइन के हिसाब से उसको ख़त्म कर रहे हैं। मतलब अगर आप उसके बाद पढ़ाई करते हो, उसके बाद अगर आप पढ़ाई अपनी ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू करते हो, तो वो वैलिड नहीं गिनी जाएगी। यानी किसी भी दौरान आपको कंपलसरी कैनेडा पहुंचना ही होगा, आपकी कॉलेज की फर्स्ट डे से पहले। तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि जनवरी 22 में शायद वीज़ा नहीं लगे या फिर वीज़ा का आंसर नहीं आए तो मैं पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ लूँगा या फिर पढ़ लूँगी, तो ये ऑप्शंस नहीं हैं आपके पास। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपने मई 22 में अप्लाई किया है या फिर सितंबर 22 में अप्लाई करेंगे, तो भी आपको ये याद रखना है कि वीज़ा तब तक आपका आ जाना चाहिए और आप वहाँ पर कैनेडा में फिजिकल पहुँच जाने चाहिए जब तक आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है तब उससे पहले आपको कैनेडा में पहुँच जाना चाहिए। तो शायद आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले होंगे जनवरी 22 में, या फिर उसके बाद कोई भी इंटेक में, जैसे मई 22 हो गया, सितंबर 20 हो गया, आप कॉलेज में पढ़ने वाले होंगे, चाहे आपकी कॉलेज गवर्नमेंट हो कितनी भी बड़ी हो, आपकी यूनिवर्सिटी कितनी भी बड़ी हो, कोई भी कोर्स हो आपका ऑनलाइन, तो आप बीच में से वहाँ पर नहीं जा सकते। तो ये ध्यान में रखिए पहला पॉइंट। वो दूसरी ये चीज़ इफ़ेक्ट होगी उन बच्चों को जो ऑलरेडी यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। शायद कई बच्चे होंगे जिन्होंने सितंबर 21 में एडमिशन लिया है, उसका वीज़ा का आंसर नहीं आ रहा, तो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन सिलेक्ट किया, जैसे कैनेडा की बहुत सी कॉलेजेस देती है और बहुत से एजेंट भी उसको रिकमेंडेड करते हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि दिसंबर के बाद आपको ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। ये चीज़ आप दोबारा समझिएगा, कॉलेज ऑप्शन दे सकती है क्योंकि कॉलेज का काम आपको पढ़ाई करना है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ाई करो या ऑनलाइन पढ़ाई करो, लेकिन हाई कमीशन्स जो स्टडी परमिट इशू करती है उसकी कई क्राइटेरिया होता है। कोविड से पहले उनका क्राइटेरिया था कि स्टूडेंट्स कैनेडा में होना चाहिए और वो इन क्लास, मतलब ऑफ कैंपस, मतलब क्लास के अंदर जाके वो पढ़ना चाहिए, तभी इंटरनेशनल स्टूडेंट का वर्क पर जो स्टडी परमिट होता है वो वैलिड गिना जाता है। तो आप समझिए आसान भाषा में कि कोविड पहले की जो सिचुएशन थी वो अभी कैनेडा में रूल्स वापस आ गए, मतलब
ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शंस कॉलेज आपको भले दे, लेकिन आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो अभी सितंबर 21 में या उससे भी पहले, शायद ये आपका दूसरा, तीसरा या चौथा सेमेस्टर हो, तो आपको ये याद में रखना है कि दिसंबर आपकी डेडलाइन है। दिसंबर के बाद आप ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शंस मत सिलेक्ट कीजिए। तो ये इफ़ेक्ट रहेगा जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको कंपलसरी अपना वीज़ा का स्टेटस लेना होगा और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कैनेडा में जाके करनी होगी। जी हाँ, कैनेडा में जाके ही आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एक रहेगा इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपके पास जान 22 में जाने वाले हो और आपके पास वीज़ा का स्टेटस नहीं आया है तो क्या ऑप्शन रहेगा, तो हम उसका सजेशन भी देते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है अभी, वो है डिफर एडमिशंस। जैसे हमने पहले भी वीडियो बना के बताया था कि आप अपना डिफ़र कर दीजिए अगर आपका वीज़ा ऑन टाइम नहीं आता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप अपना एडमिशन डिफ़र करिए तुरंत। अगर आपका वीज़ा जनवरी तक नहीं आता है और अगर आपका इंटेक जनवरी 22 है, तो आप अपना एडमिशन डिफ़र करके उसको मई 22 या फिर सितंबर 22 कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है अभी, वो है डिफ़र का। पहले ऑनलाइन ऑप्शंस था लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी डिफर का। तो ये उन सारे बच्चों को इफेक्ट करेगा जो बच्चे कैनेडा में अभी पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और कैनेडा में पहुंचने के बावजूद उन्होंने ऑनलाइन स्टडी किया है, फिर भी उन बच्चों को बताना चाहते हैं हम कि आपके लिए वो भी ऑप्शंस दिसंबर के बाद नहीं रहेगा। कॉलेज शायद आपको बताए या कॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन दे या नहीं दे, क्योंकि कॉलेज का काम पढ़ाई करना है, अच्छा सा पढ़ाई करवाना है। इमिग्रेशन पॉलिसी क्या रहेगी, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी परमिट पॉलिसी क्या रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पॉलिसी क्या रहेगी, ये समझाना काम कॉलेज का नहीं है। तो आप खुद ही अवेयर होए, अगर आप स्टूडेंट पेरेंट्स हो, आपके स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, चाहे आपका बच्चा या बच्ची, तो आप उनको ये रूल्स, ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि अगर आप कैनेडा में रीच भी हो चुके हो, जी हाँ, आपको कैनेडियन एयरपोर्ट पे स्टडी परमिट मिल चुकी है और आप अभी कैनेडा में भी हो, कैनेडा के कोई भी सिटी में हो या स्टेट में हो, लेकिन 31 दिसंबर 2021 के बाद आप ऑनलाइन वहाँ भी नहीं पढ़ सकते, आपको इन क्लास ज़रूर जाना पड़ेगा, भले आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करे ऑनलाइन का, लेकिन उसका बेनिफिट आपको इमिग्रेशन में से नहीं मिलेगा। तो ये याद में रखिए, तो उन बच्चों को भी ये इफ़ेक्ट होता है। तो ये वीडियो का मोटा मोटा कंक्लूजन क्या रहेगा, तो मैं उसके एक दफ़ा फिर से आपको पूरा पॉइंट समझा दूँ कि किन किन को इफ़ेक्ट होगा और मोटा मोटा उसका कंक्लूजन क्या है। और ये वीडियो हम आज इसलिए बनाया क्योंकि कैनेडियन हाई कमीशन का ट्वीट आज ही आया कि उन्होंने जो बेनिफिट दिया था या रियायत दी थी या स्टूडेंट्स को थोड़ा वेव्ड ऑफ का बेनिफिट दिया था कोविड के कारण, वो दिसंबर 31, 2021 को ख़त्म हो रहा है। तो पहले की तरह यानी कोविड के पहले जो सिचुएशन थी उसकी तरह सारे स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी परमिट कैनेडा में जो अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है उससे पहले लेनी ही होगी, और वो भी वहाँ के एयरपोर्ट पे जाके। तो ये याद रखिएगा, आपको एयरपोर्ट पे जाके स्टडी परमिट लेनी ही होगी, आपका कोर्स या कॉलेज जो स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन स्टडी इज़ नॉट वैलिड फॉर। सेकंड, सारे स्टूडेंट्स को चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फिर भी, जिनके पास वीज़ा था और वो यहाँ से उन्होंने सिलेक्ट किया था कि मेरे पास वीज़ा तो हो गया है लेकिन मैंने ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो उनको भी 31 दिसंबर 2021 के बाद कनाडा पहुंचना होगा। जी हाँ, उनको भी पहुंचना होगा कनाडा। यानी ऑनलाइन स्टडी, तो आपको पैनिक भी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिसंबर 31, 2020 तक अगर ऑनलाइन पढ़ाई की तो वो वैलिड है। जी हाँ, वो आपकी पढ़ाई पूरी वैलिड और वैध मानी जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के अंदर, तो आपको वो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो पूरा वैलिड होगा। जो बच्चे जनवरी 22 इंटेक में
सोच रहे होंगे या सोचने वाले थे या जो कंसल्टेंट ऐसा सोच रहे थे कि हम अपनी स्टूडेंट्स की फाइल रख देंगे और लास्ट में अगर वीज़ा नहीं आता तो क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टडी, वो नहीं होगा। जी हाँ, ऑनलाइन स्टडी का ऑप्शंस वैलिड नहीं होगा कनाडा में फॉर जान 22 इंटेक। ये बहुत बड़ा अपडेट है, उसमें ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी स्टूडेंट वीज़ा फाइल अंडर प्रोसेस है, चाहे आपका इंटेक जान 22 हो या फिर मई 22 हो, तो आपको ये जरूर याद रखना होगा कि आपका वीज़ा का फाइनल स्टैंपिंग पासपोर्ट होके आपको खुद वहाँ पर पहुँचना होगा कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। जी हाँ, अनदरवाइज आप मई 22 या सितंबर 22 डिफर कर सकते हो, एक ही ऑप्शन आपके पास बचेगा। आगे बढ़ते हैं, आप दिसंबर 31st 2021 के बाद आप ऑनलाइन पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, चाहे आप अपनी होम कंट्री में हो या इंडिया में हो, चाहे आप कनाडा में हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हो या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, चाहे आप कितनी भी बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप कितनी भी रैंक कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, फिर भी आपके पास ये ऑप्शंस नहीं रहेगा। तो आपको कंपलसरी अपना पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के एयरपोर्ट पे पहुंचना ही होगा, ऑफ कैंपस पढ़ना होगा, तो ये ऑप्शंस रहेगा आपके लिए। तो ऑनलाइन स्टडी ऑप्शंस ये कंटिन्यू नहीं रहेगा 31st दिसंबर 2021 के बाद। और सारी पढ़ाई आपकी वैलिड रहेगी दिसंबर 31st 2021 के बाद। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में। तो प्लीज़ ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप हमारी ये यूट्यूब चैनल केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप गुजरात में से हो और आप मेरे से मिलना चाहते हो और ऐसे ही एक्सपर्ट हमारी टीम है उससे कोऑर्डिनेट करना चाहते हो, तो अहमदाबाद में हमारी हेड ऑफिस है, वहाँ पर आकर आप हमसे मिल सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। कलोल में हमारी ब्रांच है, वहाँ पे आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मैसाना में हमारी खुद की ब्रांच है, वहाँ पे आप जाके मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और भी सोशल मीडिया के माध्यम है, उसके द्वारा आप अपनी कनाडा की एक्सपर्ट पढ़ाई या एक्सपर्ट रिव्यू अपनी फाइल के बारे में आप हमसे कोऑर्डिनेट करके ले सकते हो। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट कीजिए, तो हमको मोर इन्फॉर्मेशंस और वो भी जल्दी से जल्दी और वो भी ऐसी तरह से एकदम डिटेल में आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे जो न्यूज़ आपको इफ़ेक्ट करता हो। थैंक यू वेरी मच।